नमस्कार दर्शक बंधु, कान इन्फेक्शन साधारण भाव में युव अवस्था पुओ और झीकर देखा मिलता है। अधिकांश कान इन्फेक्शन को साधारण युवक अवस्था कहीं गुरुत्व दिखती ना, जहाँकि आगक जा एक बड़ समस्या परिणत होता है। प्रथम आमको जानवाक पड़ कानर इन्फेक्शन कौन। कानर इन्फेक्शन जीवाणु और भूताणु जनित होता है। इन्फेक्शन होगापर कान में कष्ट होता है और कान में पूज जमिजार संभावना रही। इयर इन्फेक्शन कष्टदायक होता है। पानी बा पूज जमीवा द्वारा मिडिल इयर इयर ड्रम उपरे चाप पड़ता है। कान इन्फेक्शन दुई प्रकार होता है, गोटे होची एक्यूट एवं आउ गोटे होची क्रोनिक। क्रोनिक इयर इन्फेक्शन मिडिल इयर को संपूर्ण रूप से और सबुदिन डैमेज कर दे पारे। युव अवस्था कान इन्फेक्शन रो लक्षण सामान्य होता है। युव अवस्था कान काटिबा, कानरो पानी बाहरिबा, कम सुभिबा भली समस्या देखा मिलता है। छोट शिशु मानकर कान इन्फेक्शन रे अधिक लक्षण देखा मिलता है। कान टाणी हेबा भली समस्या, सोइथिबा समय रे कान काटिबा, सोइबारे असुविधा, अन्य दिन ठारु अधिक कांद, ज्वर, सुनिबारे कष्ट, खाइबारे समस्या आदि देखा मिलता है। आम जदि कानर समस्या विषय देखा आउ अनेक कथा आमको देखा पड़ो। जदि छोट शिशु 6 मास रु 23 मास पर्यंत रही तेज आप डाक्तर को देखे पारे। साधारण एंटीबायोटिक्स खाइले आपणकर कानर समस्या दूर होदि शिशु कांदुची आपण पेडियाट्रिक डॉक्टर पाक नियंतु एवं कान चेक करनी। जदि कान किसी समस्या रही तीन प्रकार कानर रोग रही। प्रथम एक्यूट, द्वितीय ओएमई, तृतीय क्रोनिक। जदि प्रथम समस्या देखा मिली तेज प्रथम समस्या आपणकर कान में कष्ट कि अधिक कौन प्रकार क्षति करना। द्वितीय समस्या जदि अधिक दिन धरी रही है तेज जा कानर समस्या देखा मिलता है। जदि क्रोनिक समस्या रही तेज कान संपूर्ण रूप से न सुभिवार संभावना रही। समय ऑपरेशन रो आवश्यकता पड़ता है, किसी टेस्ट आवश्यकता पड़ता है। यह नहीं आमको प्रथम सजग होगा पड़ो। छोट शिशुंर कान में जपरी पा जमि न रुहे से चिंता देवाई पड़ो। छोट शिशु जपरी अगर लोकों सहित न मिसे से प्रकार कथा चिंता करने को पड़ो। अंपटे आम जिते कान विषय कहचे से ही समय कौन घर अभिभावक छोट शिशु कान में किसी भी पुरातु ना, आपड़ डाक्तर परामर्श नियंतु नचे कान बाहर बाहर ही सफा करनी। युव अवस्था अच्छा युव अवस्था आम देखी था अनेक लोक साधारण भाव में काठी डियासिली काठी कान में पुरई था। गाधवा समय कान में जदि पा पशि जाऊँ बाहर करते ना तेज एपरी समस्या आपण सजग रही पड़ो और कानरु पा बाहर करने पड़ो। अनेक समय महिला मानकर देखा मिलता है कान में कष्ट हो न था कि धीरे धीरे कानर समस्या देखा मिलता है। आपण प्रति मस गोटे प्रकार चेकअप करनी। कान में जदि किसी समस्या आसूँ डाक्तर को देखे नि समय कि कान को नहीं खाद्यपेय उपर विभिन्न प्रकार कार्य रही। आपण को लगुत कान सहित खाद्यर कौन संपर्क रही। आपण शरीर जदि इम्यूनिटी भल रही आपण को कौन रोग छुई पारना। आपण सुस्थ भाव में खातु, भल खाद्य खातु, राति ठीक समय शुंतु और कान में जदि आपण कौन समय बाहर को जाबा अगर कौन शब्द अधिक हो स्थान को जाती तेरे आपण कान में तुला दे जापर निजर ध्यान ने सहित कान नाक आखिर ध्यान नियंतु। नमस्कार।